हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेंद्र अपने यूट्यूब चैनल हिंदी गार्डनिंग पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इजीली गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, यदि आप अपने घर पर पौधे उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 से 6 चीज़ों की जो कि गार्डनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे हिंदी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गार्डनिंग करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि गार्डनिंग आपके लिए कौन सी जगह आपके लिए सूटेबल रहेगी, अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, गार्डनिंग आप अपने घर में ही किसी बेस्ट जगह जो पड़ी हुई आप वहाँ शुरू कर सकते हैं, या आपके घर के बैकयार्ड में का यदि कोई खाली प्लॉट है तो आप वहाँ शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप घर की छत पर भी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं ईजीली, और आप अपने पॉट्स वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो दूसरी बात आती है दोस्तों कि आप गार्डनिंग के लिए पॉट्स आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि यदि आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पॉट्स बना सकते हैं। जैसा कि आप यह देख सकते हैं दोस्तों, तो मैंने अपने घर के वेस्ट से कुछ पॉट्स बनाए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी साड़ियों वाली पन्नी से मैंने ये पॉट्स बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये जो है बनता है दोस्तों। और भी देख सकते हैं आप, ये मैंने बड़े 9 इंच के वाले पॉट्स बनाए हुए हैं, और ये मैंने सर्फ एक्सेल घड़ी के उससे पॉट्स बनाया हुआ है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। तो आप भी बिना किसी खर्चे के आप गार्डनिंग की आप शुरुआत ही आप कॉस्ट आप इजीली कर सकते हैं। तीसरी बात आती है दोस्तों कि आप मिट्टी और खाद आप कहाँ से मांग सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, आप मिट्टी तो आप कहीं से भी खाली जगह पड़ी हो वहाँ से आप खोद के ले सकते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पे मिट्टी ली हुई है, तो आप कहीं से भी आप ये मिट्टी ले सकते हैं, जो कि आप खाली प्लॉट में से भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों, ये गोबर खाद मैंने लिया हुआ है, ये भी आप पास की नर्सरी में से आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप वर्मी कंपोस्ट आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप आपके पास की नर्सरी है आप वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, चौथी चीज़ जो आती है कि आप सीड्स आप कहाँ से मंगा सकते हैं जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सीड कहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप किचन की सीड से ही अपना काम चला सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कद्दू के बीज लिए, ये तोरई के बीज, और ये दोस्तों सेम की फली के बीज हैं। तो ये सभी मैंने दोस्तों किचन में से ही आप लिए हुए हैं। और इधर मिर्च के बीज हैं दोस्तों, और ये धनिया के बीज, और ये मैंने टमाटर के बीज किचन में से ही आप तैयार किए हुए। तो आप शुरुआत में किचन के बीजों से ही दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सभी मेरे पॉट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये बेस्ट मटेरियल से ही दोस्तों बनाए हुए हैं। दोस्तों, अंत में बात करते हैं कि आप गार्डनिंग के लिए कौन से टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कटिंग के लिए आप, प्रूनिंग के लिए आप कटर का यूज कर सकते हैं, आप कैंची का भी यूज़ कर सकते हैं, और वाटरिंग के लिए आप पेप्सी वाली बोटल्स जो आती हैं प्लास्टिक की, उनका यूज़ करते हैं, पानी वाली बोटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्प्रेयर के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ बातें जो आपके गार्डनिंग में आपको लिए बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों, आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल हिंदी गार्डनिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और चलिए दोस्तों, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी गार्डनिंग।